Good morning to all. Today we will discuss about plant development. It is ninth paper of MSc semester third. तो plant development जो है वो अपना ninth paper है. अब अपन define करें कि development है क्या. तो development is the process that builds the प्लांट या ऑर्गेनिज्म. या अपन कहें कि डेवलपमेंट जो है वो सम ऑफ ऑल इवेंट्स हैं जो प्लांट्स के जर्मिनेशन से लेकर के यानी जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन से लेकर के और जर्मिनेशन के बाद में सीडलिंग फॉर्मेशन, जुवेनाइल स्टेज, मैच्यूरेशन, नेक्स्ट वेजिटेटिव फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज, डेवलपमेंट ऑफ बर्ड्स, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स एंड लास्ट में एजिंग डेट लीड्स टू डेथ यानी सिनेसेंस तक होने वाले जो सारे के सारे परिवर्तन है उनको अपन सम्मिलित रूप से डेवलपमेंट कह सकते हैं. या अगर अपन कहें तो डेवलपमेंट इम्प्लाइज अ होल सीक्वेंस ऑफ क्वालिटेटिव स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट अ प्लांट अंडरगोज फ्रॉम इट्स जाइगोट स्टेज टू इट्स डेथ इज कॉल्ड डेवलपमेंट. यानी जाइगोट स्टेज से और प्लांट की डेथ है जितने भी जो चेंजेस होते हैं या जो इवेंट्स होती हैं ये सारे के सारे सम्मिलित रूप से अपन को डेवलपमेंट में कहलाएंगे या डेवलपमेंट कहलाता है. अब जो प्रोसेस हैं या डेवलपमेंट में जो होने वाली परिघटना है वो दो तरह की हो सकती है. नंबर वन ग्रेजुअल और नंबर सेकेंड एब्रप्ट. ठीक है. तो डेवलपमेंट चेंजेस होने वाले दो तरह से चेंजेस हो सकते हैं. नंबर वन डेवलपमेंटल चेंजेस मे बी ग्रेजुअल एंड सेकेंड एब्रप्ट. ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे एज के साथ समय के साथ होने वाले परिवर्तन. एब्रप्ट जो चेंजेस हैं वो सडन या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड चेंजेस. तो टू टाइप्स के यहाँ पर चेंजेस होते हैं. नंबर वन ग्रेजुअल चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस. ग्रेजुअल चेंजेस में फॉर्मेशन ऑफ एंड मैच्यूरेशन ऑफ टिश्यूज या फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लॉरिंग बड. ये जो चेंजेस हैं ग्रेजुअल चेंजेस या फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स. ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं ये ग्रेजुअल चेंजेस कहलाते हैं धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन. इसी तरह से अनायास होने वाले परिवर्तन एब्रप्ट चेंजेस में सीड जर्मिनेशन या अपन जर्मिनेशन प्लांट्स
डोरमेंट स्टेज में है एम्ब्रियो, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आई तो ये जर्मिनेशन चालू हो जाएगा, जिससे नई सीडलिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से फ्लावरिंग, डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड इंटरनल फैक्टर्स, सिनेसेंस एजिंग दैट लीड्स टू डेथ, ये सभी के जो चेंज, सभी के सारे चेंजेस हैं या सारे चेंजेस ये कहलाते हैं अब्रप्ट चेंजेस। तो प्लांट्स डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, नंबर वन ग्रेजुअल चेंजेस एंड नेक्स्ट अब्रप्ट चेंजेस। प्लांट्स का लाइफ साइकिल अगर अपन देखें तो ये सिंगल सेल, यहां से चालू होता है सिंगल सेल टू एंड, जिसको अपन जाइगोट कह सकते हैं डिप्लॉयड, या एग सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन और उससे डिप्लॉयड अपन का जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट में आगे चल करके सेल डिवीजन चालू हो जाता है, और सेल डिवीजन जिससे यूनिसेलुलर सी कंडीशन यहां पर हो गई मल्टी सेलुलर कंडीशंस। नेक्स्ट यहां पर प्रोलिफरेशन के द्वारा क्या होगा, प्रोलिफरेशन, और इससे जाइगोट से आगे प्लांट्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ या एम्ब्रियो का निर्माण। एम्ब्रियो में ऑर्गेन्स एंड टिश्यूज बिगिन्स टू डिफरेंशिएट, तो यहां पर प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन से मल्टी सेलुलर अपन का एम्ब्रियो जो सीड में होता है, सीड के अंदर, और इसमें ऑर्गेन्स और टिश्यूज का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहां पर टिश्यू डिफरेंशिएशन हुआ, टिश्यू डिफरेंशिएशन में आगे चल करके जब सीड जर्मिनेट होगा तो एम्ब्रियो से फॉर्मेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टम अर्ली इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फॉर्मेशन हो गया एपिकल मेरिस्टेम का अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंडीशंस में। नेक्स्ट सीड में जर्मिनेशन, और इस जर्मिनेशन के द्वारा एपिकल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन हुआ, और इस एपिकल मेरिस्टेम से प्राइमरी प्लांट बॉडी का निर्माण या नए पौधे का निर्माण हुआ, जहां पर एपिकल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन हुआ,
तो प्लूमल्स एंड रेडिकल्स यानी रूट ऑफ एक्स, ऊपर वाला पोर्शन इस और नीचे ये रूट वाला रूट रूट का एपेक्स जहां से रूट सिस्टम डेवलपमेंट होता है और सूट की एपिकल मेरिस्टेम से प्लांट बॉडी का यानी प्लांट्स एरियल पार्ट उसका यानी लीव्स स्टेम एंड ब्रांचेस वगैरह इनका डेवलपमेंट हो जाता है। प्राइमरी प्लांट बॉडी का निर्माण हुआ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट। आगे चल करके प्राइमरी बॉडी में वैस्कुलर कैंबियम एंड कॉर्क कैंबियम। वैस्कुलर कैंबियम एंड कॉर्क कैंबियम इनसे सेकेंडरी प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से प्लांट्स के प्राइमरी बॉडी का फॉर्मेशन एंड सेकेंडरी प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट जो कॉर्क कैंबियम एंड वैस्कुलर कैंबियम के द्वारा होता है। तो इस ये सारी चीजें इन प्लांट्स में पाई जाती है और प्लांट्स का लाइफ जाइगोट से एक सिंगल सेल से और एक मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय या एक पूरे के पूरे ट्री का विकास हो जाता है इस तरह से प्लांट्स के डेवलपमेंट। जैसा कि अपन जानते हैं इन प्लांट्स रिजिड सेलुलोज सेल वॉल प्रेजेंट तो यहां पर सेल वॉल वो रिजिड और सेलुलोज की प्रेजेंट होती है। इस कारण से सेल्स माइग्रेशन या मूवमेंट नहीं होता है। जिस तरह का एनिमल्स में पाया जाता है लेकिन प्लांट्स के अंदर एपिकल मेरिस्टेम लाइफ साइकिल में यानी जर्मिनेशन से लेकर के एंड तक जो एपिकल मेरिस्टेम है वो प्रेजेंट होती है और सेल्स का यहां पर निरंतर डिवीजन होता रहता है। तो इस कमी को पूरी करने के लिए इनमें कंटिन्यूअस रूप से नई सेल्स का निर्माण होता रहता है जो कि एनिमल्स या प्लांट्स को अलग करता है। क्योंकि एनिमल्स के अंदर एक समय के बाद या एक निश्चित आयु के बाद डेवलपमेंट या सेल में जो डिवीजन होता है वेजिटेटिव सेल में वो रुक जाता है लेकिन प्लांट में ये नहीं होता और ये अपिकल मेरिस्टेम हमेशा यहाँ पर एक्टिव रहती है और इससे नई सेल्स का नई ऑर्गेन्स का और नई प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट चलता रहता है और जीवन चक्र आगे बढ़ता रहता है प्लांट्स में। लेकिन एनिमल्स में एक सिर्फ रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं रिप्रोडक्ट ऑर्गेन्स से उन्हीं की सेल्स में डिवीजन होते हैं बाकी के रुक जाते हैं जनरली कुछ चीजों को छोड़ करके। तो इस तरह से ये प्लांट सेल और प्लांट डेवलपमेंट और एनिमल डेवलपमेंट में अंतर है। तो नेक्स्ट अपन जो क्लास होगी उसमें यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।